ऑलराइट गाइज, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर जिम में हमारा पहला दिन है, मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ या फिर मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, कहीं पे भी अगर मेरा पहला दिन है तो मुझे अपनी एक्सरसाइज को कैसे शुरू करना चाहिए और उस एक्सरसाइज के बीच में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब नए होते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप आपका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप वार्म अप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके किसी जॉइंट में अगर पेन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे इंजरी होने का चांस आपका कम हो जाएगा। और दूसरा, आपकी जो मसल्स हैं वो लोड लेने के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। हमें फुल बॉडी का वार्म अप करना है और वार्म अप में हमें देना है कम से कम 8 से 10 मिनट। तो चलिए वार्म अप शुरू करते हैं। हम जब भी किसी जॉइंट का वार्म अप करेंगे तो उसको हम दोनों साइड रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड, एक साइड करके छोड़ नहीं देना है। तो ये थी अपनी वार्म अप एक्सरसाइज। और अब हम अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, तो उसमें हमारी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली पुशअप। पुशअप हमारी अपर बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें आपका बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट और का जो ये कोर है, ये सारी इसमें मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और इस पर अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपनी नॉर्मल पुशअप। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज और ये है अपनी नॉर्मल पुशअप। करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज बाइसेप के लिए। और ध्यान देना, ये मेरे पास 5 किलो का डंबल है, लेकिन आप ऐसा डंबल या फिर ऐसा वेट का यूज करना। अगर आपके पास डंबल है तो डंबल इंडर, तो जो आपका लाइट वेट हो, हल्का हो। अगर आप 10 किलो का भी डंबल यूज कर सकते हैं अगर आपको केवल एक ही दिन वर्कआउट करना है। तो चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज, जो कि चेस्ट के लिए होने वाली है। और आप लोग इसमें पोस्चर का खास ख्याल रखना। अगर आपको पोस्चर सही से रखना नहीं आता तो आप चैनल पर दूसरे वीडियो भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सही पोस्चर कैसे रखना है इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज होने वाली अपनी लोअर बॉडी के लिए, और लोअर बॉडी के एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम लोग करेंगे स्क्वाट, जिसको हम लोग उठक बैठक करते हैं, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान देंगे, मैं पोजीशन पोस्चर आपको बता देता हूँ और क्या गलती आपको नहीं करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपने हाथ आगे कर लेंगे और जब आपको बैठना है तो ऐसे आगे की तरफ नहीं बैठना है, थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ बैठना है ताकि ये आपके घुटने आपके पैर से आगे ना निकलें। जब आप बैठेंगे आपका जो आगे का पैर का हिस्सा है इससे आगे आपके घुटने ना निकले।
फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे जो कि होगी अपनी ट्राइसेप के लिए। पोजीशन इस तरह से ले लीजिए, साइड से आपको मैं बता देता हूँ। शुरू करते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं और फिफ्थ एक्सरसाइज होगी आपके शोल्डर के लिए, चौड़े कंधे के लिए। इस तरह से हम अपने जिम के पहले दिन में से 5 बॉडी पार्ट को कवर करेंगे, यानी कि फुल बॉडी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे सब लाइट वेट से करेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिए कि एक्सरसाइज के बीच में आप लोग पानी पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और अगर इसमें भी आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।